नोवोटल के रूफटॉप में है और अभी देख लो पानी का कलर कैसा हो गया ना, यहाँ कुछ और कलर है, वहाँ कुछ और कलर है, एकदम उधर कुछ और ही कलर है। सब बादल का कमाल है बाबू भैया, सब बादल का कमाल है। तो ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया कुछ ऐसा व्यू है, और वैसे वो भी एक साइट सीन में आता है लेकिन वहाँ हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हमारा वहाँ प्लान है कल या परसों जाने का, वो आपको मैं बता दूंगा। एक वो हो गया और एक सबमरीन भी है, वो पास में ही है, वो कल जाएंगे नहीं तो आज शाम को, अभी सोचा नहीं है, कल या फिर आज शाम को जा सकते हैं। बाकी देख लो ये नजारा, चलो चलते हैं होटल में। विशाखापट्टनम बहुत ही ज्यादा अलग है, थोड़ा बहुत वो माउंटेन बीच दोनों मिक्स है, लाइक माउंटेन्स भी मिल जाएगा आपको और बीच भी मिल जाएगा। बाकी चलो चलते हैं अपने रूम में। वैसे हम लोग सोच रहे थे तब से कि शाम को कहाँ जाए, अभी एक अचानक से प्लान बना है कि मैं यहाँ से कैलाशगिरी के लिए निकल जाऊँ, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, 5-6 किलोमीटर दूर होगा मैक्स टू मैक्स, अब पता नहीं ज्यादा भी हो सकता है, अभी तक मैंने कुछ रिसर्च नहीं करा है, बट मैं देख रहा था कहाँ जाना चाहिए, तो कैलाशगिरी मुझे एक ऑप्शन दिखा है। कैलाशगिरी वाला जो सारा ब्लॉग सब होगा ना, मैं सोच रहा हूँ ये होटल वाले ब्लॉग से अलग रखूँ, नहीं तो एक में ना थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाले ब्लॉग को थोड़ा अलग रख रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, ऑलरेडी टाइम हो गया है, अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो ज्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा मैं, तो चलो चेंज करके जल्दी से निकलते हैं। वैसे अभी देख लो बाहर का कुछ ऐसा माहौल हो रखा है, पूल के सामने भी काफी लोग हैं, निकलते हैं यहाँ से। बाकी अपने को अगर बीच का एंजॉय लेना है तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को जाना है बाहर। फिलहाल अभी हम लोग होटल से निकल गए हैं, और होटल से निकल के आपको कहीं जाना नहीं है, देखो सामने में इतना अच्छा नजारा है, ये पीछे देख लो अपना होटल है, मेरा रूम भी दिख रहा होगा, ये वाला मेरा रूम है देख लो, होटल का लोकेशन एक नंबर है, लेकिन जो भी बोलो इसीलिए तो यार इतना नाम है। तो अभी हम लोग अपने होटल से निकल के यहाँ पे ऑटो ले लिए 80 रुपीज में, और एक चीज काफी अच्छा लगा ऑटो में भी देख लो, यहाँ पे फोन पे गूगल पे और पेटीएम का ऑप्शन बना हुआ है, तो ये चीज काफी अच्छा है। यहाँ पे बीच में पार्किंग है, बीच में बाइक पार्किंग है बीच में, अरे सबमरीन, ये सबमरीन टाइमिंग है ना 6 to 6। ठंडा पानी पिवानो, अलग अलग स्टेट घुमानो, मजा नहीं लाइफ। साउथ साइड में जितना भी जा, बहुत डेवलपमेंट है साउथ साइड में, बहुत डेवलपमेंट है और सिस्टमेटिक है, हर कुछ सिस्टमेटिक है। ये नहीं कि 19-20 ये सब चीज नहीं है, मेन बात पढ़ा लिखा आदमी रहता है। तो यहाँ हमें ऑटो वाले ने उतार दिया, यहाँ से शायद ये रोप वे लेकर हमें ऊपर जाना होगा, पता नहीं कैसे क्या सीन है, कैसा होता है आपको ही बताते हैं। तो एक पोपट हो गया, यहाँ आकर पता चल रहा है कि रोप वे क्लोज है फॉर मेंटेनेंस पर्पस। तो देख लो अभी कैलाशगिरी का सीन क्या है ना, वैसे तो रोप वे जाता था वहाँ से, लेकिन अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है, इसीलिए अभी हम लोग को ऐसा एक छोटा सा मैजिक लेना पड़ा। सीन क्या है, भैया बता रहे थे कि टोटल 8 आदमी होने से वो निकलेंगे, 500 रुपया मिनिमम वो बता रहे थे रेट है इसका, वही समझ लो अगर 10 आदमी रहता तो पर पर्सन 50 रुपीज करके होगा, वही 50 रुपीज करके ही है लगभग जहाँ तक मुझे पता है, और ये जब तक भरेगा नहीं, मतलब लगभग 8 आदमी जब तक नहीं होगा इसमें तब तक ये जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको जल्दी है जाना है तो आप एक ही बार 500 रुपया दो चले जाओ, लेकिन अभी सीन क्या है ना, मेरे पास अभी कैश में बस ये 500 रुपया ही पड़ा हुआ है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। भाई इतना देर से हम लोग वेट ही करे जा रहे थे पैसेंजर का, कम से कम 15 या 20 मिनट से हम लोग वेट करे जा रहे थे पैसेंजर का कि आपको ही आएगा आपको ही आएगा। 3 बंदे आए भी थे लेकिन वो लोग भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कम से कम वो बता रहे थे कि 8 बंदे भी होंगे तो वो चले जाएंगे, मेरे पास टाइम तो थोड़ा कमी भी रहता है, वो तीनों जाएंगे उनको ले लो 50 रुपीज करके उनसे ले लेना, जो लेफ्ट अमाउंट होता है वो मैं पे कर दूंगा। सूट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अभी मैं वेट कर सकता था लेकिन वो सनलाइट अगर डाउन हो जाएगा ना पूरा तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा हिली वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। कार वैन जीप स्कूटर, अच्छा जो पैदल जाएंगे उनके लिए भी 5 रुपया टिकट है, 2 व्हीलर्स का 20, 4 व्हीलर का 50, और बाकी जो बड़े बड़े हैं लाइक एसयूवी टाइप के कार सब है उनका 70, मिनी बस 150 रुपए, बिग बस 300 रुपए। सही है, सुबह सुबह अगर आप आते हो तो ट्रैकिंग कर लेना। सुबह कितने बजे खुल जाता है भैया ये? 8:30 बजे, वो 8:30 बजे ये खुलता है। भाई इस वाले साइड में काफी मस्त नजारा दिख रहा है, लेकिन अभी तो खैर जंगल झाड़ से दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग मैजिक से उतर गए और ये कैलाशगिरी, और रास्ते में जो नजारा दिख रहा था ना, लग रहा था पूरा रियो दे जेनेरियो कार में। हाँ। तीन लड़का बैठा हुआ था। हाँ। बोला आधा आधा करने, तीन लड़का भी 200 रुपए मिला नहीं पाया यार, वो बोला नहीं हम 50-50 देंगे। हाँ। 50-50 क्या देंगे, 50 रुपए करके देंगे, 50 रुपए ही तो बोले। हाँ। 50 रुपए करके ही देंगे, बोले चलो भाई चलो मेरा लेट हो रहा है निकलो यहाँ से। टाइटेनिक सी व्यू, तो यहाँ कुछ व्यू पॉइंट है, तो सबसे पहले यही जा रहे हैं हम लोग। कौन सा याद आ गया बोलो तुम, वो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वाला कौन सा? ओ भाई साहब, तो इसके लिए हम लोगों ने इतना वेट किया है, तो इसके लिए इतना ऊपर आना था। हा? तो ये वाला जो है ना साइड में खड़े होके वो टाइटैनिक वाला व्यू का मजा ले सकते थे, लेकिन अभी वहाँ देख लो जमीन धस गया है इसलिए बंद कर दिया गया है इसको। भाई हम लोग सही जगह में है ना, बाकी हाँ देख लो ये कुछ नजारा है। ओ भाई
भाई देख लो यहाँ ऊपर में ट्रेन जर्नी भी होता है, लिया जाए क्या राइट? चलो तो ये ट्रेन का टिकट मैंने ले लिया है, तो अपना ये एसी कोच है। ओहो अरे ये तो शिमला वाला ट्रेन का याद आ गया, बड़ा बस सीट है बैठ के देखो। वो सामने वाला जो है ना उसका टिकट है 100 रुपीज करके, ये जो एसी वाले में हम लोग बैठे हैं इसका जो टिकट प्राइस है 150 रुपए करके। सारदा रोडवेज, ये एसी कोच का मैंने टिकट लिया है, कितना 300 रुपए पर पर्सन, 150 करके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडल्ट 2। फाइनली हम लोग का जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुका है स्टेशन से, स्टेशन का नाम भी नहीं पता मुझे, कैलाश गिरी। मुझे शिमला में हम लोगों ने टॉय ट्रेन राइड लिया था ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अगर आप आते हो यहाँ पे तो ट्राई करना राइट हैंड साइड वाला सीट लेने का, इससे व्यू मिलेगा आपको। ये मैं नहीं, मैडम इस वाले जगह से हम लोग आए और ये अपना स्टेशन। बाय बाय, कोई सी ऑफ करने भी नहीं आया हमें यार। कुछ ये व्यू मिलेगा आपको, देख लो। ओ भाई भाई, बाकी इस साइड तो अभी तो फिलहाल कुछ व्यू नहीं है। पहला हॉल्ट आ गया, यहाँ पे आप चाय कॉफी पी सकते हो, लेकिन चाय कॉफी वाला दिख नहीं रहा। स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन का नाम ही भगवान जाने। मोइन साइड हिट जंक्शन। मान लो अगर स्टेशन होता है अपना नाम का, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? चाय मिलेगा, बिरयानी मिलेगा, अच्छा वाला बिरयानी मिलेगा, मोहित स्पेशल सैंडविच मिलेगा, मिलेगा यूएस पिज्जा का, सलाद मिलेगा यूएस पिज्जा का। हो, अब व्यू आ रहा है, देखो। कोई आदमी बोलता है ना इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। ना भैया, ये हमसे पूछो, पहले ये हमसे पूछो। तो पहले वैसे फिलहाल अगर अभी तक मैं ये ट्रेन जर्नी की बात करूं, मतलब टॉय ट्रेन जर्नी का, तो अभी तक तो थोड़ा बोरिंग सा ही रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। देखते हैं अगर अच्छा कुछ रहता है दिखाने का। वैसे तो सेम यही सब व्यू दिख रहा है, अगर आगे कुछ अच्छा दिखता है तो आपको दिखाते हैं। तो भाई फाइनली इतने देर बाद कुछ दिखा, वाइजर खड़ा हुआ तो पोर्ट ब्लेयर जैसा लग रहा है। अभी रिसेंटली हम पोर्ट ब्लेयर रह गए हैं ना, ऐसे पहाड़ घर इस टाइप का ही लग रहा है। ओ भाई अभी जो व्यू दिखा, देखना अभी दिखा है असली व्यू। भाई जो भी बोलो, स्टार्टिंग में तो आपका दिल तोड़ेगा, लेकिन लास्ट में आपको जो व्यू देगा ना, ये अल्टीमेट व्यू देगा। अगर आपको वाइजेक का एरियल व्यू देखना है तो आप आ सकते हो कैलाश गिरी। देख लो पूरा वाइजेक सिटी दिख रहा है, जो मैंने आपको नीचे रोपवे दिखाया ना, अगर आप आते रोपवे से वो यहाँ तक लेकर आता आपको, लेकिन ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। 17 या 14 तारीख को ये रीओपन होगा। स्टेशन आ गया। ये सारे पैसेंजर उतर गए। ट्रेन जर्नी तो अपना हो गया, टॉय ट्रेन जर्नी। स्टार्टिंग में बोरिंग लग रहा था, लेकिन लास्ट में जो व्यू दिखा है ना, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा। थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हो गया है मुझे। छोटे बच्चे ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, बड़े लोग के लिए है। मैं देख रहा था सभी का कैमरा ऑन था, जा रहे हैं वो जो बड़ा शिव जी का पार्वती जी का जो मूर्ति है ना वो देखने के लिए। देखते कहाँ पे। तो मेन यहाँ आने का रीजन था ये, वो सामने दिख रहा होगा, रुको अभी और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ये वाले जगह में आप आ सकते हो, मैं बोलूंगा आप यहाँ के लिए शाम के 4:30 या 5 बजे निकलो, धूप भी ज्यादा नहीं लगेगा, एंजॉय भी कर पाओगे और इतने कम टाइम में सब कुछ कवर भी हो जाएगा आपका। कैलाश गिरी आप अपने लिस्ट में रख सकते हो। भाई अभी ये जो नजारा दिख रहा है ना, तो काम करते हैं थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बना लेते हैं, जो रील्स आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में देख लोगे। भाई तो हाँ, इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो। ट्रेन भी इसी रूट से होकर गया था, जो कि ट्रेन जर्नी ऑलरेडी आपने देख लिया। और वहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी का वो बड़ा सा मूर्ति, और यहाँ से कुछ देख लो ये नजारा। कैलाश गिरी घूमना हमारा हो गया है, और अभी वापस हम लोगों ने वही मैजिक ले लिया है। लास्ट जो मैजिक मिलता है वो 8:00, उसके बाद आपको मिलेगा नहीं है लास्ट, लेकिन ये 8:00 तक मिल जाएगा आपको। कैलाश गिरी से निकल गए और ऑटो ले लिया, उबर ऑटो, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सुबैया गरी होटल। भाई अभी खुद से गूगल वगैरह में रिव्यू पढ़कर, ये क्या है, काकीनाडा क्या है, सुब्बाया
गरी होटल पहुंच चुके हैं। अच्छा यहाँ दिया हुआ है तो लेवल 2 डाइनिंग, लेवल 3 डाइनिंग। तो रेस्टोरेंट में तो आ गए हैं, केले के पत्ते में खाने वाला है। तो इसमें खाना लाइक मेरे को बहुत ही पसंद है। और अभी यहाँ पे बस एक ही थाली मिलता है जो कि साउथ इंडियन स्पेशल थाली। आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हैंड वॉश कर लो। तो ये देख लो अपना थाली लगना स्टार्ट भी हो गया है। और बाय द वे अभी पता चला हमें टोटल 32 आइटम्स है और सभी अनलिमिटेड है। 270 का थाली है ये। दिखाता हूँ मैं क्या क्या है टोटल। सबसे अच्छा बात क्या है मालूम है, मेन्यू बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक ही थाली मिलता है आपको, साउथ इंडियन थाली, स्पेशल थाली बोलते हैं इसको। आप पहले दे दीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा। उसके बाद बता दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, जब पूरा खाना हमारे टेबल में सर्व हो जाता है तब मैं आपको बताता हूँ कौन सा चीज क्या है। पीस दम बिरयानी, लेमन राइस, पापड़, स्वीट बूरी, अच्छा अच्छा, बहुत सा मैंगो डाल, अच्छा अभी इतना सारा आइटम है, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। बाकी आइटम का तो जगह नहीं है यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो वो लेकर आ जाएंगे। और भी 11 आइटम अभी बचा हुआ है। टोटल कितना था, 36 टोटल 36 आइटम्स है। सबका नाम मैं भूल गया हूँ कौन सा चीज क्या है। अभी काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये तो मीठा है, लास्ट वाला आइटम मैंने सबसे पहले ट्राई कर लिया। सबसे पहले ये राइस के साथ इतना थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है ना, एक बार में पूरा खत्म। जो दाल और राइस का जो कॉम्बिनेशन है ना, अच्छा लग रहा है। वो एक खट्टापन भी आ रहा है इसमें, क्योंकि सिंपल सा बात है, साउथ के खाने में आता ही है वेज बिरयानी। लेकिन ये जो अभी मैंने ट्राई किया ना, राइस और ये दाल, बहुत ही टेस्टी है। ये बिरयानी और पनीर, ये कुछ पनीर का है, ये कुछ अलग ही नाम बता रहे थे जो नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। यही है, खत्म होते रहेगा, मिलते रहेगा आपको जब तक आपको चाहिए। मुंगरा पुलाव सही है, एकदम डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ, इस टाइप का खाना मैंने कभी खाया नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन सब है, मीठा के साथ खट्टा, खट्टा के साथ तीखा, सब कुछ एकदम यूनिक सा लग रहा है। अनलिमिटेड है ये सब चीज, फिर भी क्वालिटी को मेंटेन करके रखे हैं। कैबेज फ्राई टाइप तो कुछ लग रहा है। ये क्या है, कैबेज ही है, दही बड़ा। इतना समझ में आ गया है, इनका सारा का सारा आइटम ही काफी सही है। भाई अभी तक तो जितना भी मैंने आइटम ट्राई किया बहुत ही सही लग रहा है सब कुछ। इसके बाद अगर कुछ नया कुछ आइटम आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और खाना वगैरह ट्राई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा मुझे क्या लगा इनका। एक चीज नोटिस करो, क्या चीज ज्यादा है, क्या बोलो, सूखा मिर्च। आंध्रा फूड थोड़ा स्पाइसी होता है, ये मैंने सुना था। कौन बताया था बोलो तो, हम लोग जहाँ आंध्रा खाना खाने गए थे, वो ये पोडी पाउडर, पोडी पाउडर, पिकल, ये सेम चीज हम लोगों ने पार्क स्ट्रीट में भी ट्राई करा था। तो वो बता रहे थे कि जब भी आप आंध्र साइड जाओगे तो ये जरूर ट्राई करना। देख लो भाई, वो मिल ही गया मुझे, उससे हमको बेटर लग रहा है। तो एक चीज है, जो भैया है जो हमें खाना सर्व कर रहे हैं वो काफी कुछ बता भी रहे हैं कि किसके साथ किसको ट्राई करना है। तो ये राइस के साथ हम लोग ये जो था ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, गोंगरा और गन पाउडर, परफेक्ट। सबको मिक्स करना है, वही राइस है, बस कुछ मसाला अलग हो जा रहा है, क्रीम आ जा रहा है, कभी गन पाउडर आ जा रहा है, टेस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है। मेरे को सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगा वो राइस गन पाउडर का, पॉडी पाउडर का घी का। और ये लास्ट में देख लो, राइस सांबर के साथ, ये रसम के साथ, और ये बटर मिल्क के साथ। और ये भैया हमें बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो सारा खाना पीना होने के बाद लास्ट में कर्ड राइस खाना तो बनता ही है। तो सुबह गरी होटल से हम लोग डिनर करके निकल चुके हैं और पेट तो भैया यहाँ तक भर चुका है। हमारा ब्रेकफास्ट भी दबा कर हो गया, डिनर भी दबा कर हो गया। फिलहाल अभी यहाँ से निकल कर ये वाले होटल में हम लोग खा रहे थे। ये अपना ड्रीम कार जा रहा है, कैमरा नहीं घुमाऊंगा, आप लोग देख लेना। दिल के अरमां आशाओं में बह गए।